9,287 गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और रिक्शों के चलान किए गए। इस हवाले से जानते हैं मोहम्मद सरफराज से। जी सरफराज, आगाह कीजिएगा। ईद के याम में ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी की अगर बात की जाए तो 2,287 जो कम उम्र ड्राइवर हैं और जो संगीन खिलाफ वर्जी कर रहे हैं ट्रैफिक की, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई गई, इनके चलान किए गए। सिटी लाहौर की जानिब से ईद के पहले रोज़ हदायत जारी की गई थी कि मामूली कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन नहीं किया जाएगा और संगीन जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं इनके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन अमल में लाया जाएगा। तमाम जो लाहौर के सेक्टर्स हैं वहाँ पे नाके लगाए गए हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की जानिब से जो कम उम्र ड्राइवर हैं उनके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुगलपुरे का ये इलाका है जहाँ पे सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की जानिब से नाका लगाया गया है। सेक्टर इंचार्ज की जानिब से जो कम उम्र ड्राइवर हैं उनको जो है वो रोका गया है। मेरे साथ मौजूद हैं सेक्टर इंचार्ज मुगलपुरा, उनके साथ बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि अभी तक यहाँ पे सुबह से लेके अभी तक कितने बच्चों के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है? जी, सीटीओ साहब के हुक्म के मुताबिक वीएन को मद्देनजर रखते हुए अभी तक भरपूर कार्रवाई अंडर एज के खिलाफ की जा रही है। ईद के अयाम में तकरीबन 2,287 चलान अभी तक हमने किए हैं। इसके अलावा संगीन खिलाफ वर्जियों पर भी कार्रवाई जारी है। जो वन वे की वायलेशन है उसके ऊपर भी भरपूर कार्रवाई की जा रही है। उसके खिलाफ भी तकरीबन 166 जो है ना वो अब मोटरसाइकिलें जो वन वे पे वो बंद करवाई जा चुकी हैं। उसके अलावा मजीद जो कार्रवाई है मुगलपुरा सेक्टर में अंडर एज और वन वे की वायलेशन टिंटेड ग्लासेस भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और इसकी रोकथाम के लिए मौसर इकदाम भी किए जा रहे हैं। जी, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि 2,287 जो चलान टिकट हैं वो जारी किए गए हैं। 166 जो मोटरसाइकिल सवार हैं जो ख़तरनाक तरीके से वन व्हीलिंग कर रहे थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है और इनको लाहौर के मुख्तलिफ थानों में जो है वो बंद।